नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सबसे तो पहले माफी चाहूंगा, नया वीडियो लाने में थोड़ा लेट हुआ, विलम्ब हुआ। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बेहतर करने का, इसलिए समय लग रहा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है साउथ अमेरिका, पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, जिसमें हम दो चीज सीखेंगे। एक, मैप बनाना कैसे साउथ अमेरिका का, और दूसरा, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज है। दो टॉपिक है हमारा, और 30 मिनट का समय लगेगा आपके कीमती वक्त में से, 30 मिनट का टाइम लगेगा हम आपसे। इन 30 मिनट्स में हम क्या कवर करेंगे, मैप ड्रॉ कैसे करना है ये कवर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कौन सी कंट्री है टोटल साउथ अमेरिका में, कुल 12 कंट्रीज हैं, तो वो कंट्रीज कौन कौन है वो लर्न कर लेंगे। और थोड़ा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन कंट्रीज वाइज हम आपको शेयर करेंगे आपसे, जो कि हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम में पूछ दे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, सीधे चलते हैं मैपिंग बनाने वाले सिस्टम पे कि कैसे आप मैप बनाएंगे। बोर्ड पे चलते हैं सीधा, जो व्हाइट बोर्ड है अपना उस पे चलते हैं। शायद आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये बोर्ड है अपना। तो इसमें हम सबसे पहले साउथ अमेरिका का मैप ड्रॉ करने के लिए जो पहला काम हम करेंगे, वो करेंगे कि साउथ अमेरिका को बनाने के लिए एक पेज ले लेंगे, ए4 साइज पेज, उसमें एक बॉक्स खींच लेंगे, ठीक है। और उस बॉक्स में, अभी विदाउट बॉक्स पहले कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बॉक्स में भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि ये डायग्राम बनाना साउथ अमेरिका का क्यों जरूरी है सीखना। इससे क्या होगा कि कोई आंसर यदि आप लिख रहे हो एग्जाम में, तो वहां पे यदि उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स पूछा है, तो साइड में एक बॉक्स में डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा अट्रैक्शन जो होता है आंसर का, स्टैंडर्ड जो होता है आंसर का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच ली। ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, राइट। इक्वेटर पे अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं राइट साइड में, ये एक पॉइंट ले लिए, और इस पॉइंट पे हम इस तरह का एक डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाए। लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था ये डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाए। ये जो डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर है ये है माउथ ऑफ अमेजन, ठीक है। माउथ ऑफ अमेजन, आपको पता होगा अमेजन नदी के बारे में कुछ कुछ जानकारी होगी आपको, कि जो अमेजन रिवर है दुनिया की सबसे वाइडेस्ट रिवर है, और अमेजन जो है इसलिए भी फेमस है बिकॉज इक्वेटर ये अपना माउथ बनाती है एक, दूसरा सबसे ज्यादा चौड़ी है ये नदी, और तीसरा जो इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड कि रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है, खोज हुआ है ट्विंस रिवर सिस्टम का, मतलब जुड़वा नदी। यदि ये ऊपरी हिस्सा है जमीन का और इस पे अमेजन बह रही है, तो इसके ठीक 3 से 4 किलोमीटर नीचे गहराई में एक और नदी इसके पैरेलल में बह रही है। दोनों पैरेलल में है, ये ऊपर जमीन पे सरफेस पे है और ये सरफेस के नीचे है। इसको हमजा रिवर कहते हैं, ये नया डिस्कवर्ड रिवर है, इसको हमजा रिवर कहते हैं। जो हमजा रिवर है, हमजा रिवर की डिस्कवरी हमजा नाम के एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने किया था, ब्राजील में है वो, ब्राजील में डिस्कवर किया था इन्होंने हमजा रिवर को। तो ये जो रिवर है बिल्कुल अमेजन के पैरेलल है, बट डेप्थ में बहती है ऐसी, इसलिए इसको सब ट्रैटम रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। सब ट्रैटम एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो जब आप सॉयल प्रोफाइल पढ़ेंगे तो सॉयल प्रोफाइल में कई ओरिजन होते हैं। जो सबसे बेसिक होता है ना, जो रॉक, मदर रॉक वाला जो ओरिजन होता है, जो लेयर होता है, जो परत होता है, उसको कहते हैं सब स्ट्रैटम। और उसके ऊपर फिर अलग अलग ओरिजन होता है, ए ओ ओरिजन होता है, सबसे ऊपर ओ ओरिजन होता है, नीचे बी सी सी ए, इस तरीके से कई होरिजन होते हैं सोयल सोयल के, सी होरिजन, बी होरिजन, ए होरिजन, ओ होरिजन, एक ई होरिजन भी होता है। होरिजन का मतलब ये हो गया ना कि जो सोयल है आपका, सोयल का जो लेयर है डिफरेंट डिफरेंट, हॉरिजेंटल लेयर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मतलब एक तो होता है कि क्षैतिज होता है इस तरीके का, सॉरी पेन ले लो, एक होता है ऐसे, ये क्षैतिज हो गया, और ये होता है उदग्र। तो इस क्षैतिज को ही हम कहते हैं क्या, हॉरिजेंटल, और इसको कहते हैं वर्टिकल कहते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो, बिकॉज दोनों मीडियम के व्यूअर हैं अपने, तो
हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को समझ में आए। तो साउथ अमेरिका बनाने सीखना है, तो सबसे पहले आपने देखा अमेजन रिवर को, और अमेजन रिवर जो माउथ बनाती है जिस लाइन पे, उस लाइन को आप इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर विषुवत रेखा पे ये अपना माउथ बनाती है। यहां से हमने शुरू किया है साउथ अमेरिका को। उसके बाद हम इसी से पैरेलल थोड़ा दूर कुछ दूर चलेंगे ऐसे ही तीसरी मिडी लाइन बनाते हुए, फिर एक लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये लोटे जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए लैंडमार्क्स ले रहा हूं। पहला लैंडमार्क लिया एम ए ओ, यानी एम माउथ एम ओ ए, यानी माउथ ऑफ अमेजन, ये पहला लाइन लिया, पहला पॉइंट लिया हमने। दूसरा पॉइंट हमने लिया ये वाला जिसको आप कहते हैं मारा काइबो लेक, एक झील है और इस झील का नाम है मारा काइबो झील, ठीक है, मारा काइबो लेक है ये। और मारा काइबो लेक के बाद जो अगला आपका लैंडमार्क है, अभी कुछ देर बाद मैं आपसे लैंडमार्क पूछूंगा कि कौन कौन से लैंडमार्क की बात मैं कर रहा हूं। तो दूसरा जो लैंडमार्क है, इसके बाद हम चल रहे हैं, दूसरा कलर ले लेता हूं, इसके बाद मैं चल रहा हूं एक यहां से एक स्ट्रिप नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है, और इस स्ट्रिप को आप पुकारते हो पनामा स्ट्रिप के नाम से, ठीक है, पनामा स्ट्रिप के नाम से, यानी यहां से पनामा एस्थमस शुरू होता है, एक पतली सी पट्टी है इसलिए स्ट्रिप शब्द यूज कर रहा हूं। तो पनामा यहां से जुड़ता है, पनामा यहां से शुरू होता है, इसलिए हमने पनामा वर्ड यूज किया। तो अब हम अगले लोकेशन पे चल रहे हैं। लोकेशन याद होना चाहिए मुझे, एक एक बच्चे से लोकेशन चाहिए। ये जो जगह टच कर रहे हैं ना यहाँ पे इक्वेटर पे, यहाँ एक देश है इक्वेडोर, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी फिर से कर रहा हूं, यहाँ एक पॉइंट है इक्वेडोर। तो आपका नेक्स्ट जो आपका लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स याद रखिएगा, मैं मैथड ही लैंडमार्क मैथड है, हम आपको पूरा वर्ल्ड बनाने सिखा देंगे, पूरा वर्ल्ड लर्न कराने सिखा देंगे, वसते आप लैंडमार्क प्रॉपरली याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, ठीक है, इसके नीचे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पेरू का पोर्शन है, पेरू एक कंट्री है, पेरू का पोर्शन, और यहाँ के बाद आपका शिमला मिर्च, पूरे साउथ अमेरिका को एक कोड वर्ड लेके यूज कर रहे हैं शिमला मिर्च। आप एक शिमला मिर्च बनाने जा रहे हैं हमारे गांव में बिहार में, माँ जो है अचार बनाया करती थी शिमला मिर्च का, उसमें कुछ मसाला डालती थी। तो अपर पार्ट जो शिमला मिर्च का होता है उसका ज्यादा वॉल्यूम होता है, और उसका नीचे का पार्ट जो होता है वो नुकीला होता चला जाता है, और एंड में बिल्कुल नुकीला होता है। तो साउथ अमेरिका बनाते समय आपके दिमाग में बिल्कुल एक शिमला मिर्च हो, और शिमला मिर्च के साथ साथ ये जो लोकेशन है ये लोकेशन भी होना चाहिए। पहला लोकेशन आपका माउथ ऑफ अमेजन हो गया, दूसरा लोकेशन माराकाइबो झील हो गया, तीसरा लोकेशन पनामा की पट्टी, पनामा स्ट्रिप हो गया, चौथा लोकेशन आपका इक्वेडोर नाम का देश हो गया। हर एक देश जाने वाले हैं आज इस वीडियो में, ये पॉलिटिकल साउथ अमेरिका है, और मेरा पर्पस है थोड़ा औरों से अलग करने का। मैं आपको एटलस पे भी ले जाऊंगा जो लोग शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, जिसमें कि जो ओरिजिनल मैप होता है उसको दिखाते हैं और वहीं पे अंडरलाइन करके बताते हैं, वो एक अलग तरीका है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं उतना महान नहीं हूँ अदर यूट्यूबर की तरह, मैं तो ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं आपको डेडिकेट करके बना रहा हूँ कि आप सीख पाओ, ठीक है। बाकी वीडियोज जो है मेरे क्लास को डेडिकेट करके था जिसको मैं पढ़ाता था। आगे देखिए, इससे आगे जब आप जाएंगे ना ये एरिया, तो थोड़ा सा सिकुड़ता जाएगा, हमने कटा फटा होगा बहुत ज्यादा, सॉरी माफ करना थोड़ा, एक मिनट, मेरी एक स्टूडेंट है उसने वीडियो देखा और उसने मुझसे कहा सर वीडियो में आप प्रेजेंटेशन जो है आपका अच्छा है लेकिन आप थोड़ा पीपीटी यूज करो। माफ करना, पीपीटी में कंफर्टेबल नहीं होता हूँ यार, मुझे अपना कुछ खुद का चाहिए होता है कि मैं खुद का बोर्ड यूज करके बोर्ड पे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचर रहा हूं ना ज्यादातर। चलो आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। यहां से हम खींच रहे हैं और ये कटा फटा तट है, यहाँ जहां से आप मुरे हो ना ये वाला जगह, यहाँ फिर आपका एक लैंडमार्क है, लैंडमार्क नंबर वन था ये। लैंडमार्क ही याद कराना है मुझे, मेरा इस क्लास में मेरा पर्पस है आपको लैंडमार्क याद कराना। पहला लैंडमार्क क्या था याद रखिएगा, दोहराइएगा, माउथ ऑफ अमेजन। दूसरा लैंडमार्क कौन था, माराकाइबो लेक। तीसरा लैंडमार्क कौन था, पनामा स्ट्रिप। चौथा लैंडमार्क कौन था, इक्वेडोर, जो एकदम बिल्कुल इक्वेटर पे है। और पांचवा लैंडमार्क क्या था, इसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। तो जो अटाकामा डेजर्ट है ना, ये एरिया जो है यहां से मुड़ता है, ये पेरू का पार्ट है, पेरू से ये नीचे की तरफ मुड़ता है। तो ये डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में आप अटाकामा डेजर्ट के बारे में और भी डिटेल में आप हमसे सुनेंगे, ठीक है।
तो यहाँ ये अटाकामा डेजर्ट हमारा जो है ये फिफ्थ नंबर हमारा लैंडमार्क है। उसके बाद जब आप आगे जाते हो ना तो थोड़ा सिकुड़ता जाता है साउथ अमेरिका, वो नुकीला पार्ट आ रहा होता है और तट बड़ा कटा फटा सा होता है, बहुत ज्यादा कटा फटा तट होता है। अब इस कटे फटे तट को आप क्या पुकारोगे, आपको एक टेक्निकल टर्म बताता हूं, फियोर्ड नाम का एक वर्ड है, फियोर्ड, इसको फियोर्ड तट कहते हैं, हिंदी में भी फियोर्ड कहते हैं, इंग्लिश में फियोर्ड कोस्ट कहते हैं। दो कोस्ट है, एक रिया तट, अब जिसका नाम रिया होगा वो मेरी बच्ची देख रही होगी वीडियो, कई बच्चियों को पढ़ाया है जिसमें से जमालपुर में भी एक बच्ची है रिया, जहां पहले पढ़ाता था मैं, अब रिया तट, रिया तुम्हारा नाम नहीं है ये, ठीक है, रिया तट जो है, रिया तट उस समुद्री तट को कहते हैं जो थोड़ा समुद्र में डूबा सा होता है, मतलब सबमर्ज्ड होता है। जैसे आप गुजरात में, भारत में द्वारिका का जो टेम्पल है समुद्र में सबमर्ज है, और कुछ एरिया है गुजरात में जिसको आपने सुना होगा क्रिक कहते हैं, सर क्रिक तो सुना ही होगा, सर क्रिक है जहां पे एक नाला रिसेंटली न्यूज में था, नाले का नाम था हरामी नाला, न्यूज में था वो, तो वो सर क्रिक वाला एरिया हो, चाहे भी जहां पे नर्मदा ताप्ती गिरती है ना, जहां गल्फ ऑफ खंबात है, केम्बे है, गल्फ ऑफ केम्बे खंबात की खाड़ी, वहां पे भी जो तट है वो डूब रहा है, तो डूबते हुए तट को, सबमर्ज तट को रिया तट कहते हैं, ठीक है। जिस तट, जो तट समुद्र के जल से लगातार डूबता चला जा रहा हो, समुद्र का जल स्तर वहां बढ़ता जा रहा हो और समुद्र का जल अंदर तक घुस जा रहा हो और नाले जैसे स्ट्रक्चर को बना रहा हो, तो उस नाले को तो क्या कहते हैं, नाले को कहते हैं क्रीक, सर क्रीक आपने सुना होगा, और इधर पश्चिम बंगाल में भी क्रीक है, वेस्ट बंगाल एरिया जो सुंदरबन डेल्टा रीजन है वहां भी क्रीक है, गुजरात रीजन में भी क्रिक है, बट आपको तमिलनाडु रीजन, केरला रीजन, वहां क्रिक कम मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा, बिकॉज वो एरिया जो है ना वो सबमर्ज्ड एरिया नहीं है, सबमर्ज्ड मतलब निमग्न तट, मतलब जो जल से ढका हुआ हो, जल जिसपे कवर अप कर रहा हो, ऐसे तट को कहते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट। तो दो तरह का तट है, एक तट है जिसको रिया तट कहते हैं जो थोड़ा डूब रहा होता है, अधः तलित होता है, यानी कि वाटर वहां पे कवर अप कर रहा होता है, ठीक है, सबमर्ज्ड होता है, और दूसरा होता है इमर्जेंस कोस्ट, यानी उत्थित तट, यानी जो उठा हुआ तट हो, जहां समुद्र का पानी नहीं आएगा जल्दी, देर से आएगा, उसको डुबा नहीं पाएगा समुद्र का जल, जब तक कि समुद्र के जल का स्तर काफी ऊंचा नहीं होगा। खैर, एक तो आपको सबमर्ज्ड कोस्ट बताया, दूसरा मैंने आपको इमर्जेंस कोस्ट बताया, जिसको सबमर्ज्ड को नाम देते हैं रिया, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कि इमर्जेंस कोस्ट को फियोर्ड कहते हैं, फियोर्ड बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है फियोर्ड तट, ज्यादा बड़ा कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, फियोर्ड तट जो है ना ये कटाफटा तट है, कटाफटा मतलब जहां पे, जैसे ये जो मैं बना रहा हूं इस तरह का तट है कटाफटा तट। आप कहेंगे सर कटाफटा तट कहां कहां ज्यादा मिलता है, तो जो भी एरिया कभी ग्लेशियर से ढका रहा हो और उसके बाद फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होके वहां से हट गया हो, तो उस तटीय क्षेत्र जो बचेगा ना, उन तटीय क्षेत्रों को क्या करेगा ग्लेशियर, इरोड कर लेगा, अपर्दित कर लेगा। अपर्दन से क्या होगा, यानी अपर्दन मतलब सिंपल सी बात है, कंघा करते हैं ना सिर में, तो कंघा करने पर आपके सिर का बहुत सारा मटेरियल कंघा अपने साथ ले आता है, जो कंघी है, तो कंघी आपके सिर का क्या करता है, अपर्दन करता है, सिंपल सा, सिंपल टर्म में आपको समझा रहा हूं। तो अपर्दन के कारण क्या होता है कि हिमनद जब वहां से पीछे की ओर सरकता है तो जो सॉफ्ट रॉक्स होती है उसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन जो हार्ड रॉक है वो वहीं के वहीं टिकी रह जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि वो हार्ड रॉक के कारण जो तट होता है वो कटाफटा नजर आता है, ऐसे कटे फटे तट को ही फियोर्ड तट कहते हैं। तो अगला जो हमारा लैंडमार्क है साउथ अमेरिका का वो है फियोर्ड तट। उम्मीद करता हूं आपको फियोर्ड तट समझ में आया होगा, रिया तट समझ में आया होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो का बस एक एम है कि मेरे हर एक व्यूअर को, चाहे आप नए व्यूअर हैं या फिर आपने पहला वाला वीडियो जो इंट्रो था, यानी वो तो फीलिंग्स था, इंट्रो और फीलिंग्स मिक्स था उसमें, कि क्या पढ़ाऊंगा आगे की वीडियो में और क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, दोनों था। तो चलिए, ये जो अभी आप देख रहे हो, पहला पॉइंट आपने देखा, एक तो देखा माउथ ऑफ अमेजन, दूसरा पॉइंट आपने देखा लेक माराकाइबो, तीसरा देखा पनामा स्ट्रिप, चौथा देखा इक्वेडोर और पांचवा देखा अटाकामा डेजर्ट। छठा जो पॉइंट देखा आपने, ये पॉइंट था आपका कटाफटा तट था फियोर्ड कोस्ट का। अब आगे चलते हैं, फियोर्ड कोस्ट के जरा नीचे उतरते हैं, कलर चेंज कर लूं मैं, ब्लू कलर पसंद है, ब्लू ब्लैक ज्यादा बेटर रहता है। तो इसके नीचे अब जब हम जाएंगे तो अब जो है यहाँ पे ये जो एरिया है ना पूरा चाइल का एरिया, इंग्लिश में चाइल और हिंदी में हमारे भाषा जो है मातृभाषा उसमें बोलते हैं इसको चिल्ली। तो चिल्ली है भी और चिल्ली पड़ भी रहे, यहाँ पूरा साउथ अमेरिका भी अपन को चिल्ली चिल्ली ही दिखता है, ठीक है, वही शिमला चिल्ली।
और ये साइड का जो कंट्री है ना, ये चिली है। बीपीएससी का पिछले बार एग्जाम हुआ था और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी कंट्री है जिससे सब नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं सबसे ज्यादा संख्या में गुजरता है। मैं यहाँ हिंट करना चाहूंगा कि इस कंफ्यूजन में मत रहना कि चिली बहुत लंबी है, यानी एकदम आधा इंडीज, आधा का पार्ट इंडीज का तो चिली में ही है समझो, तो चिली बहुत लंबी है तो इससे ज्यादा अक्षांश गुजरता होगा। ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, नंबर ऑफ लैटिट्यूड जिस देश से सबसे ज्यादा संख्या में गुजरते हैं वो जो है लैटिट्यूड, वो जो कंट्री है वो है रसिया। ठीक है, रसिया जब हम यूरोप और एशिया पढ़ लेंगे ना तब पता चलेगा कि रसिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अक्षांशीय विस्तार है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू चिली। तो कोई कंफ्यूजन मत रहना कितनी लंबी है तो ज्यादा इसके पास अक्षांश होगा। आगे चलते हैं, ये जो चाइल वाला एरिया है जहां पे ये चाइल खत्म हो रहा होता है ना, ये एरिया जहां पे खत्म हो रहा होता है, मुर रहा होता है, ठीक है, वहां पे नीचे एक आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है, एक आइलैंड ये रहा। इस आइलैंड भी हमारा एक क्या बोलते हैं अपना लैंडमार्क है, इसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो बिल्कुल एंड सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में है टेरा डेल फ्यूगो। उम्मीद करता हूं आपको याद हो रहा है, शायद सर नहीं हो रहा है तो फिर से देखिएगा वीडियो, दो बार देख लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। और मुझे किसी भी हाल में चाहिए ये सारे लैंडमार्क याद, पहला माउथ ऑफ अमेजन, दूसरा माराकाइबो लेक, तीसरा पनामा स्ट्रिप, चौथा इक्वेडोर, पांचवा अटाकामा डेजर्ट, छठा टेरा डेल फ्यूगो, और बीच में आप छठा चाहें तो उस फ्योर्ड कोस्ट को भी बना सकते हैं। दरअसल क्या था कि आज से 6 लाख वर्ष पूर्व और आज से 14 लाख वर्ष पूर्व दो बार हिमयुग आया था, आइस एज हिमयुग। तो हिमयुग के दरमियान क्या था कि बहुत बड़ा हिस्सा जो साउथ अमेरिका का निचला हिस्सा था, तो ये मिर्ची जो है अपनी निचला हिस्सा जो नुकीला पार्ट वाला हिस्सा था वो आइस कवर्ड हो गया था, उसपे आइस सीट से वो पूरा एरिया कवर हो गया था। तो कवर्ड होने के कारण क्या हुआ, वो जो आइस सीट से कवर हुआ ना वो एरिया बहुत दिन तक आइस सीट से कवर रहा, फिर धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ा, किसी के मन में यदि सवाल आ रहा हो कि आइस एज क्या होता है सर, हिमयुग क्या होता है, तो मैं बाद में कभी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी आप समझो कि वही आइस एज जब खत्म हुआ, अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो ये सारे आइस शीट जो है मेल्ट होके लौट गए पीछे समुद्र में, इसका जल लौट गया, लौटते लौटते जो उपहार में ये गिफ्ट में दे गए फ्योर्ड तट दे गए, कठोर चट्टाने वहीं को वहीं टिकी रही, मुलायम चट्टाने बह गई उनके साथ हिमनद के पिघलने से बह गई, और कठोर चट्टानों के कारण ये तट कटाफटा तट सब जगह दिखता है, कनाडा में दिखेगा, फिनलैंड जो झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड में दिखेगा, नॉर्वे जो आधी रात के सूरज का देश है वहां दिखेगा, स्वीडन जहाँ की ग्रेटा थैनबर्ग नाम की वो 6th से 8th क्लास में, शायद अभी 8th क्लास में पढ़ती है बच्ची, उस बच्ची ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया अभी क्लाइमेट चेंज को लेके, स्वीडन की है। और तो उन सारे देशों में आपको बहुत ज्यादा फ्योर्ड कोस्ट मिलेगा, जो भी पोल के नजदीक है वहां उतना ही ज्यादा फ्योर्ड कोस्ट मिलेगा। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं, यहां से आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो यहां पे एक गल्फ मिलेगा, एक बहुत बड़ा गल्फ मिलेगा, और इस गल्फ का नाम क्या है, इस गल्फ का नाम है एक मिनट पहले पेन चेंज कर लूं, ये रहा ये, इस गल्फ का नाम, ये एक ऐसा गल्फ है जिस गल्फ में 3 देश शेयर करता है इस गल्फ को, एक ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील ही है, तो ब्राजील हो गया, नीचे अर्जेंटीना, अभी हम सब देश के जानेंगे अर्जेंटीना, तो नीचे अर्जेंटीना है और ये ऊपर ब्राजील है, और यहीं पे एक देश है यूरुग्वे, तो यूरुग्वे ब्राजील और अर्जेंटीना ये तीनों शेयर करते हैं इसको, और इसका नाम क्या है, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा नाम है इसका। दरअसल रियो का मतलब नदी होता है, ठीक है, ला प्लाटा का मतलब होता है सिल्वर, ला प्लाटा का मतलब जो वर्ड है ला प्लाटा टर्म का मतलब होता है सिल्वर कलर। दरअसल इसमें से जो नदी थी ना उस नदी का नाम था ला प्लाटा, सिल्वर कलर नदी थी, पानी ऐसे भी यदि चमकता हो ना सनलाइट तो सिल्वर कलर देता है, तो रियो डी ला प्लाटा जो है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सिल्वर जैसी चमकने वाली नदी, और उस नदी ने जो वहां खाड़ी बनाया है गल्फ बनाया है उसी गल्फ को कहते हैं रियो डी ला प्लाटा, बेहतरीन गल्फ है, दुनिया के 3 देश इसको शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 2 कैपिटल टाउन इसी गल्फ में, एक कैपिटल आपको अर्जेंटीना का कैपिटल नाम सुना होगा ब्यूनस आयर्स, बिल्कुल यहीं पे है ब्यूनस आयर्स, और एक और आपने यूरुग्वे के कैपिटल का नाम सुना होगा माउंटे विडियो,
मॉन्टेविडियो भी यहीं पे है, तो आप एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल को झांक सकते हो दूरबीन लगा के, रियो डी ला प्लाटा से। तो ब्राजील, यूरोगवे और अर्जेंटीना इसको शेयर करता है, यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा है। आगे चले, जरूर आपका मन हो रहा होगा कि चलो यार बहुत पकाते हो, इसके आगे चलते हैं हम। और पेन कलर चेंज कर लिया। इसके आगे ना आपको बस एक वी शेप का बनाना है सिस्टम, यहां से आप आएंगे और हल्का सा ऐसे कर लेंगे वी शेप बना के, इसमें आके बस मिला देना है, बन गया आपका साउथ अमेरिका। आपके पास टोटल कितने लैंडमार्क्स हैं, जस्ट रिपीट करना चाहता हूं। पहला लैंडमार्क था कौन, एक माउथ ऑफ अमेजॉन, इक्वेटर पे अपना माउथ बनाने वाली नदी। दूसरा था लेक माराकाइबो, तीसरा था पनामा स्ट्रीप, चौथा था इक्वेडोर। इक्वेडोर नाम की एक कंट्री है, स्मगलरों का देश है, एक तरह का गरीब देश। और उसके बाद अगला था अटाकामा डेजर्ट, उसके बाद था फ्योर्ड कोस्ट, और उसके बाद था ये क्या नाम है इसका, टेरा डेल फ्यूगो। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, टेरा डेल फ्यूगो के बगल में यहाँ पे एक छोटा सा नन्नू मुन्नू सा एक आइलैंड है, इस आइलैंड को लेके बड़ी जंग मची पड़ी है, लड़ाई हो रही है, मेरा है कि मेरा है टाइप। तो ये इसका नाम है फॉकलैंड, जैसे पाकिस्तान है इंडिया में से, फॉकलैंड, एफ ए एल के, फॉकलैंड नाम है इसका, फॉकलैंड। और ये जो फॉकलैंड कंट्री है ना, फॉकलैंड जो सॉरी आइलैंड है, इस पे कब्जा कर रखा है महापापी, जिसने हम पे भी कब्जा किया था, ब्रिटेन ने, छोड़ ही नहीं रहा भाई, ब्रिटेन इसको आजाद ही नहीं कर रहा। अब अर्जेंटीना दावा करता है कि मेरे घर के सामने है तो मेरा है, मेरा आइलैंड है, और अर्जेंटीना दावा कर रहा है कि इसको आजाद करो, और इंग्लैंड कह रहा ना मुन्ना ना, अपना है ये। तो इंग्लैंड के बीच में यानी ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में इस आइलैंड को लेके बड़ी घमासान मची पड़ी है, और आइलैंड का नाम क्या है, फॉकलैंड। उम्मीद करता हूं आपको सारे लैंडमार्क याद हो गए, नहीं हुआ तो मैं तो हूं आपके साथ। अब जो अगला बोर्ड मैं ले रहा हूं, ये बोर्ड डिलीट नहीं कर रहा हूं, रख रहा हूं, फिर एक बार आपसे रिविजन करूंगा लास्ट में। हाँ, अगले बोर्ड पे आते हैं हम। इस बार अब डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका की कंट्रीज, मेनलैंड कंट्रीज और आइलैंड कंट्रीज भी देखेंगे। द्वीप कौन से हैं, यदि स्वतंत्र देश है तो कौन सा देश है जो साउथ अमेरिका में अपने को काउंट करता है, और यदि मेनलैंड कंट्री है तो कौन कौन है। इस बार हम फिर डायग्राम बनाएंगे, और मेरे प्रत्येक व्यूअर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां मैं कोडवर्ड यूज करूंगा आपको दोहराना है मन में उस लैंडमार्क को। सबसे पहले मैंने एक लकीर खींच ली, ठीक है, उस लकीर के बाद मैंने एक पॉइंट ले लिया, उस पे उस पॉइंट पे मैंने W जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और इसको मैं M O A लिख रहा हूं। क्या है ये आप जानते होंगे, माउथ ऑफ अमेजन। इसके बाद मैं आगे थोड़ा दूर गया और लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और इसको मैं लिख रहा हूं M L, माराकाइबो लेक। इसके आगे मैंने ऐसे पट्टी सी बनाई और हम इसको लिख रहा हूं पी एस, पनामा स्ट्रिप। इसके आगे हम फिर से इक्वेटर पे आए और इसको मैं लिख रहा हूँ ई क्यू, इक्वेडोर, इक्वेडोर। इसके आगे फिर मैंने नीचे थोड़ा सा जहां पे झुका वहां फिर मैंने एक कोडवर्ड लिख दिया, ये आपके लिए है एडी, अटाकामा डेजर्ट। और इसके बाद मैंने थोड़ा कटाफटा कोस्ट बनाया, और कटे फटे कोस्ट के बाद मैंने जैसे इधर मोड़ा नीचे एक आईलैंड बनाया और मैंने लिख दिया टी डी, टेरा डेल एप, टेरा डेल फ्यूगो। आप हमारे साथ बोल सकते हैं, आपका मन करना चाहिए बोलने का और मुझे अच्छा लगेगा। और इसके बाद फिर आगे मैंने यहाँ भी जैसा स्ट्रक्चर बनाया और मैंने लिखा R फॉर R रियो, D ला प्लाटा, RDL रियो डी ला प्लाटा। और फिर मैंने इसको ऐसे लाया और भी बना के इसमें सटा दिया, और ये पूरा एरिया साउथ अमेरिका का हो गया। एक चीज भूल रहा हूँ ना, हाँ आप सही पकड़े, ये भूल रहा हूं मैं, जो जिसको लेके इंग्लैंड और ब्रिटेन और अर्जेंटीना लड़ रहा है, ये हो गया फॉकलैंड, ठीक है। अब इंटरनल पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कहां पर कौन सा देश है। देखो जब हम देश पढ़ रहे होते हैं ना, पॉलिटिकल मैप जब भी आप खरीद के लाओगे ना, तो पॉलिटिकल मैप में आपको देश ही बताएगा कहां पे कौन सा देश है, तो हम देश लर्न कर लेंगे, ठीक है। और हर एक कंटिनेंट में हम इस तरह का करने वाले हैं। तो आगे चलेंगे, देश बनाते हैं, कलर चेंज कर लूं ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील आए कि हाँ मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ। हाँ, यहां से सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि जब आप कलर की बात करते हो ना, तो एक मिनट, हाँ, तो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया यूज जो करता है यानी अफ्रीका को कलरफुल बनाता है, अफ्रीका का सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, एक कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील।
ब्राजील जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा हिस्सा टच करता है, यानी आप 80% ब्राजील को दे सकते हो कि 80% एरिया जो है ब्राजील कवर करता है। ये है सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा देश ब्राजील, ठीक है, ब्राजील है सबसे बड़ा। आगे देखते हैं, ब्राजील हो गया। ब्राजील के बारे में मैं बता दूं कि ब्राजील जो ये वर्ड है ना, ब्राजील, ब्राजील एक ट्री का नाम है। ब्राजील जो है इस कंट्री में मिलने वाला एक ट्री है जो काफी संख्या में यहां पाया जाता है, और उस ट्री के कारण ही इस एरिया का नाम ब्राजील पड़ा है। एक और बात स्पेशल इंफॉर्मेशन में दे दूं, आपने कई सारे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, एक तो एजटेक सुना होगा आपने, एजटेक सिविलाइजेशन, और माया सिविलाइजेशन सुना होगा आपने, ठीक है, इंका सिविलाइजेशन सुना होगा आपने, ठीक है। ये सब सिविलाइजेशन हैं, सभ्यताएं हैं, माया सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, एजटेक सिविलाइजेशन, ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में फैले हुए, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में फैला हुआ ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता है ना, जैसे आपका वैदिक सभ्यता है, वैसे ही ये साउथ अमेरिका की सभ्यताएं हैं, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, एजटेक सभ्यता। आगे चलते हैं, इस तरह से बहुत सारी जनजातियां भी हैं, ट्राइब्स भी हैं जो इस एरिया में रहती थी। एक ट्राइब तो बहुत खतरनाक ट्राइब थी, शिकारी ट्राइब थी, जिसका नाम था कैरिबू। कैरिबू नाम की एक ट्राइब जो है, जो आइलैंड है ना, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, हम पढ़ाएंगे उन आइलैंड को जब हम सेंट्रल अमेरिका पढ़ा रहे होंगे, उन सारे आइलैंड में पाए जाने वाला सबसे खतरनाक ट्राइब था कैरिबू ट्राइब। कैरिबू ट्राइब के अलावा बहुत सारा ट्राइब, एक ट्राइब का नाम था टूपी नाम्बा। टूपी नाम्बा एक ट्राइब था जो ज्यादा जीवन का ज्यादा पार्ट ये टूपी नाम्बा ट्राइब ये पेड़ों पे ही गुजारता था। सबसे ज्यादा संख्या में टूपी नाम्बा, शर्मीले टाइप के होते थे ट्राइब। टूपी नाम्बा ट्राइब सबसे ज्यादा संख्या में ब्राजील में ही पाए जाते थे, और अभी भी पाए जाते हैं टूपी नाम्बा ट्राइब, और पेड़ों पे रहते थे, और जिस पेड़ पे वो रहते थे ना वो ब्राजील का, ब्राजील पेड़ को वो ज्यादा सुनते थे। कैरिबू ट्राइब की बात कर चुके हैं, टूपी नाम्बा ट्राइब की बात कर चुके हैं, और भी कई ट्राइब थे यहाँ पे। एजटेक भी अपने आप में वहां का ट्राइबल एक कम्युनिटी ही था, और भी ट्राइब था, जैसे कैरिबू ट्राइब के अलावा एंटलीज भी ट्राइब का नाम है, एंटलीज, और दूसरे ट्राइब है यहाँ पे जैसे रेड इंडियन जिसको बोलते हैं, वो भी एक ट्राइबल यहाँ का एंडोजिनस ट्राइब। एंडोजिनस का मतलब जो यहीं पे डेवलप हुआ और यहीं पे आगे मतलब अपना सिविलाइजेशन को डेवलप किया। तो ये सारे ट्राइब्स हैं, एजटेक, माया, इंका, कैरिबू, टूपी नाम्बा, ब्राजील ट्री को रिलेट कर रहा हूँ इससे। तो ब्राजील सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, 84% एरिया कवर करता है। और एक चीज और याद रखेंगे, कितने देश ब्राजील को टच करता है, ब्राजील कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट याद रखने के लिए। चलिए अगला पॉइंट है कि अब हम ब्राजील देख चुके हैं, और भी इस देश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ब्राजील ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रियो समिट सुना होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, साओ पोलो सुना होगा, फेमस सिटी है साओ पोलो, ब्राजील में है, ठीक है। बहुत सारा फेमस सिटी है जो कई कारण से फेमस है, एनवायरमेंट के कारण से। अभी रिसेंटली ब्राजील फेमस था बिकॉज अमेजन के जंगल में आग लगा और 45 लाख हेक्टेयर जंगल जल गया, ठीक है। उसके बाद ब्राजील पे इल्जाम लगा कि सरकार जानबूझ के जलने दे रही है, चलिए बात करेंगे उसके बाद में। अब आते हैं दूसरे देश पे, नन्ना सा ये देश, नाम क्या है इसका, नाम है फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना नाम है। दरअसल फ्रेंच गुयाना, तो जो फ्रेंच गुयाना है कंट्री, वो कंट्री ओवरसीज कॉलोनी ऑफ फ्रांस है, इसलिए उसके नाम के आगे क्या लगा, फ्रेंच। और वो कंट्री जो है फ्रेंच गुयाना, वहां पे जो मेजोरिटी है वो फ्रांसीसी लोग हैं, तो वो चाहते ही हैं कि फ्रांस के साथ रहे। आपको बता दूं कि एक स्पेस सेंटर है फ्रांस का यहाँ पे, जहां से वो व्हीकल स्पेस को, स्पेस में स्पेस शटल व्हीकल यहाँ पे रखा हुआ है लॉन्च करने के लिए। भारत भी कई अपने अंतरिक्ष यान जो है यहाँ से लॉन्च करवाया है स्पेस में, तो फ्रांस का यहाँ पे स्पेस स्टेशन है, जी स्पेस स्टेशन है यहाँ पे, और इसका नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना। पहले पूरा देश हुआ करता था गुयाना, और वो फ्रांस के अधीन था, धीरे धीरे करके फ्रेंच गुयाना से, सॉरी पूरे गुयाना से एक पार्ट अलग हुआ जिसका नाम फ्रेंच गुयाना हो गया। और दूसरा जो है उसके बाद जो कंट्री है उसका नाम है सूरीनाम। दूसरी कंट्री कौन है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना के बाद, एक छोटी सी कंट्री है जिस कंट्री का नाम है सूरीनाम। आप बस सुनते जाइए, याद तो होना ही है, ये ब्राजील था, ब्राजील के बाद फ्रेंच गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद फिर से गुयाना है, ये आजाद गुयाना है, ये गुयाना है, ठीक है। पहले तीनों एक ही था,
तो गुयाना, गुयाना दरअसल एक पठार है, प्लेटू है, और वो प्लेटू जिस एरिया में पाया जा रहा है ना वो पूरा एरिया गुयाना है। गुयाना में तीन पार्ट हो गया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, तीनों शेयर करता है किससे, अपना बॉर्डर ब्राजील से। अब जो अगला देश बना रहे हैं ये बेहतरीन देश है और रिसेंटली न्यूज में था, इस देश का नाम है वेनेजुएला। नाम क्या है? वेनेजुएला नाम है। वेनेजुएला रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। वेनेजुएला में रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस आया था और बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था वहां पे, मतलब लोगों की करेंसी की इतनी वैल्यू गिर गई थी कि लोग करेंसी का वैल्यू नहीं दे रहे थे, सामान एक्सचेंज कर रहे थे। अभी हाल में हुआ है 2019 में। और वेनेजुएला फेमस है अपने इस मैराकाइबो लेक को लेके। ये जो लेक है यहाँ सबसे ज्यादा थंडरिंग देखने को मिलता है दुनिया में। दो जगह ऐसा है जहां ज्यादा बिजली गिरती है, थंडरिंग होता है, थंडरिंग एंड लाइटनिंग ज्यादा होता है। एक कौन है? एक है अपना वो जो मेडागास्कर या मालागास्की आपने सुन रखा होगा वो है, और दूसरा जो है वो है यही वेनेजुएला, वेनेजुएला का माराकाइबो लेक। एक और चीज फेमस है यहाँ पे, एक सबसे बड़ा सबसे ऊंचा यहाँ पे जलप्रपात है जिसका नाम है एंजेल फॉल, ठीक है। अब जो दूसरा देश आप देखने जा रहे हो ये वाला देश, इस देश का नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। कोलंबिया आपको याद रहना चाहिए, कोलंबिया पिक्चर्स हॉलीवुड मूवीज बनाता है, बट वो दूसरा वर्ड है जो यूएसए में एक जगह है वहां पे भी वो वर्ड वहां के लिए यूज होता है। ये कोलंबिया एक स्वतंत्र देश है, और कोलंबिया के बाद ये छोटा सा पोर्शन इक्वेटर पे टिका हुआ एक छोटा सा देश, ये है इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर। अब जो इक्वेडोर है ये पूरा एरिया गरीब देश, ऐसे तो पूरा साउथ अमेरिका ही गरीब देश है, कोई यहाँ पे पावरफुल देश नहीं है, सबसे सब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। तो ये इक्वेडोर एक छोटा सा देश है, कोकीन हेरोइन चरस चाहिए तो इक्वेडोर संपर्क करिए, ठीक है। मेनली स्मगलर्स के लिए ज्यादा ये मतलब ओपन मार्केट है, और क्लाइमेट बड़ा टफ है, इक्वेटर पे क्लाइमेट बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे जो देश है अगला देश दूसरा उसका नाम है पेरू। पेरू आपने सुन रखा होगा, पेरू के बीच में ये इसका सा पार्ट जो है ये एक लैंडलॉक देश है जिसका नाम है बोलीविया। इस देश का नाम है बोलीविया, नाम है बोलीविया, लैंडलॉक कंट्री ये। और बाकी जो एरिया बच गया ना, ये सारा एरिया पूरा यहां तक का एरिया, ये एरिया एक देश है जिसका नाम है पेरू। पेरू नाम तो सुना होगा आपने, पेरू का। पेरू, पेरू के नीचे किनारे किनारे बिल्कुल किनारे किनारे एंड तक आप चले जाएंगे ना यहां तक, तो ये एरिया चिली का है, चाइल, चाइल का है। एंड ईच पे 90% मोर देन 90% एरिया ऑफ द कंट्री जो चाइल है वो एंडीज के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। चाइल के इस तरफ ये जो देश है ये हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। अब बच गए यहां पे दो देश, एक इसी से सटके है जिसका नाम है पराग्वे, ये भी लैंडलॉक है, और एक यहां पे है जिसका नाम है यूरुग्वे, यानी यूरुग्वे और पराग्वे। यूरुग्वे लैंडलॉक नहीं है, लैंडलॉक जो चारों तरफ जमीन से गिरा हुआ देश है वो दो ही है, पेरू लैंडलॉक है और ये, सॉरी पेरू बोल रहा हूँ, ये क्या था, बोलीविया था, बोलीविया लैंडलॉक है और ये है पराग्वे लैंडलॉक, और कोई लैंडलॉक नहीं है, सबके पास अपना तट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ब्राजील से अपना सीमा साझा नहीं करती है। ऐसे कंडीशन में आप दो देश का नाम ले सकते हैं, कौन कौन, एक चाइल जो ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ये रही चाइल, और दूसरी कंट्री जो है चाइल के बाद दूसरी कंट्री है इक्वेडोर जो ब्राजील से शेयर नहीं करती। बाकी जितने भी देश है ना ये सारे के सारे देश ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। चलें एक बार रिवाइज करने कॉडवर्ड में, ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं कंट्री का, इतनी ही कंट्री है और एक दो कंट्री है जो आइलैंड कंट्री है उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी नंबर काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग से ब्रेन को माइंड को एक मैसेज जाता है कि सब अपने पास ही है, अपन ने सबको देख लिया एक बार, तो काउंटिंग कर लेते हैं। पहला रोल नंबर एक ब्राजील, दो फ्रेंच गुयाना, तीन सूरीनाम, चार गुयाना, पांच वेनेजुएला, छह कोलंबिया, सात इक्वेडोर, आठ पेरू, नौ बोलीविया सूखा देश, ड्राइस्ट देश जहां पीने के पानी के लाले पड़े हैं, दस चाइल, ग्यारह पराग्वे और बारह उरुग्वे।
तो 12 देश हैं जो मेनलैंड में हैं और 12 देशों के नाम आपको लर्न होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है मैप बनाते समय क्या, लैंडमार्क्स। तो लैंडमार्क्स याद है और कंट्री के नाम याद है तो आप बेझिझक बना पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से साउथ अमेरिका के मैप। तो जो आज का वीडियो था इसमें मेरा पर्पस सिर्फ कंट्री बताना था और इसकी मैप की ड्रॉइंग कैसे करनी है, बनाने कैसे है मैप, वो बताना था, ठीक है। और अगली वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो जो साउथ अमेरिका की आएगी, उसमें हम आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ द साउथ अमेरिका बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा माउंटेन कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माउंटेन लर्न करा देंगे और वो वहीं क्यों है ये भी बताएंगे, यानी ओरिजिन ऑफ द माउंटेन भी एक्सप्लेन करेंगे। लेवल अप रहेगा वीडियो का, आज का लेवल थोड़ा बेसिक लेवल था। एक बार लास्ट में जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं। ये हो गया एक लाइन जिसको हम नाम दिए थे इक्वेटर का, सिर्फ कोडवर्ड यूज करेंगे आप। और ये हो गया पॉइंट इक्वेटर पे डब्ल्यू बनाए थे, ये एम ओ ए था माउथ ऑफ अमेजन जहाँ हमजा नदी के नीचे से बहती है। और आगे जब हम गए थे तो एक लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाए थे, ये मैराकाइबो लेक था, उसके आगे गए थे ये स्ट्रिप था, उसके आगे आए थे ये इक्वेडोर कंट्री था, उसके आगे आए थे ये यहाँ से मोड़े थे वहाँ अटाकामा डेजर्ट था, ये इक्वेडोर का कंट्री था। और उसके नीचे गए थे थोड़ा सटापटा तक था, प्योर तक था, और फिर नीचे आए थे यहाँ पे एक भीने का भी जैसा स्ट्रक्चर था जिसको रियो डी ला प्लाटा कहा था मैंने, ठीक है। और उसके आगे ऐसे करते इसको इसको मिला दिए तो अफ्रीका बन गया, ठीक है। अफ्रीका सॉरी क्या बन गया था ये, हाँ ब्राजील बन गया समाप्त होता है कभी कभी। ये एरिया जो था ये टेरा डेल क्यूगो का था और ये एरिया जो था पाकिस्तान। सॉरी बार बार आता है, खत्म हो जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ाने की आदत नहीं थी, अभी जस्ट स्टार्ट किया है और जल्दी ही मैं प्रोग्रेस करूंगा। चलो कंट्री रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कंट्री रिवाइज कर लेते हैं। कंट्री में जो मैक्सिमम हिस्सा था वो आपने किसके नाम कर दिया था, ब्राजील के, तो पूरा एरिया ब्राजील का था, ठीक है, ब्राजील भी लिख लेते हैं। उसके बाद इससे सटा था एफ जी, आप मन में दोहराओ क्या था ये, उससे सटा था एस, उससे सटा था कौन, फिर केवल जी यानी फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना, उससे सटा था वेनेजुएला, भी लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। उससे सटा था कोलंबिया और ये था आपका इक्वेडोर, पूरा एरिया पेरू का छोटा सा एरिया बोलिविया का, ये बोलिविया था, ठीक है, ये पेरू था। और इसके किनारे किनारे नीचे तक ये गया था कौन था, चाइल था, ठीक है। और यहाँ पे था परागवे, ठीक है, यहाँ तक तो पेरू ही था पेरू, और यहाँ था परागवे, यहाँ था यूरुग्वे और पूरा का पूरा एरिया था अर्जेंटीना, इसका नाम था फॉकलैंड, फॉकलैंड पर कब्जा था यूके का, ये था टेरा डेल ह्यूगो जिस पे कब्जा है अर्जेंटीना का, और हो गया। तो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, इतनी देर तक आपने एंड तक इसको देखा। और अगली वीडियो में हम आपके साथ आते हैं, इसको बार बार रिवाइज करके रखिएगा ताकि आपको साउथ अमेरिका का पूरा कंट्री लर्न हो और मैप कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी लर्न हो। और उसके बाद फिर आपके साथ फिर से एक बार आएंगे हम अगले वीडियो में, इसमें कैपिटल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारा इंफॉर्मेशन। अब इसी वीडियो को हम जो अभी हमने मैपिंग देखी इसको हम चाहें तो एटलस के साथ भी देख सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास एटलस नहीं होगा, तो अब हम उसको यहाँ से शेयर करके एक बार बता देना चाहता हूँ कि इसमें रिवीजन एक बार कर देना चाहता हूँ आपके साथ। दोनों ही चीजें हाईटेक हूं पूरी तरह से आपके लिए मैं। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का एरिया क्या है, ये ब्राजील है। मैंने पहले कहा पीपीटी है अपने पास पर मजा नहीं आता मुझे पीपीटी का, ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं मैनुअल पढ़ाऊं। ये क्या था देख लो, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, ये क्या था सूरीनाम, ये क्या था गुयाना, ये क्या था वेनेजुएला, ये क्या है कोलंबिया, ये क्या है इक्वेडोर, ये पेरू, ये बोलिविया, ये परागवे, ये उरुग्वे, ये अर्जेंटीना और ये चाय और ये फॉकलैंड। कंट्री फिनिश, वीडियो फिनिश, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी लोग देख रहे हो ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी सब कुछ लाऊंगा मैं इस चैनल पे, तो इसलिए तो चलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, धन्यवाद। कर लेते हैं आज की क्लास को यहीं पे, थैंक यू, बने रहिए, कल मिलते हैं।